अब हम बनाने जा रहे हैं ट्राई कलर इडली। अभी जैसे आपने इसमें देखा ये कैरेट एंड बीट का कॉम्बिनेशन है ताकि अब उसको कलर सैफरन कलर का आ जाए। अब उसमें अभी हम डालेंगे ये ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर जो है ये ग्रीन पीस मिंट और कोरिएंडर से बनाया जा रहा है ताकि खाते वक्त एक कलर के साथ साथ एक बहुत अच्छा टैंगी फ्लेवर भी आए, खाने में खाने वालों को भी मज़ा आना चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे बैटर। ये डल गया बैटर। अब इस हिसाब से इसमें कैसा कैरेट एंड बीट है, रेड एंड ऑरेंज दोनों हैं इसके अंदर में, लेकिन वाइट मिल रहा है उसके अंदर में, बैटर वाइट है तो उसको कितना कलरिंग लाना है उस हिसाब से उसको डालना पड़ता है देखते हैं। और ये पूरी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको किस तरीके से कितना इसको स्टीम देना ताकि वो रेड कलर को केसरी रंग लाने तक का, वो सब चीज़ें टेक्निकल होती है, उसको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ता है कि ऑरेंज कलर आया, केसरी आया, रेड है अभी भी, कैसा है। देखिए ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को भी उतना ही डार्क रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से रेड अपना कलर उतारेगा और धीरे धीरे वो अपना सैफरन कलर, ऑरेंज कलर, ऐसा पिंक भी हो जाता है, तो उसी तरीके से इसको भी उतना ही डार्क रखना पड़ता है क्योंकि इसको भी उतना ही स्टीम देना पड़ता है। अब हम डालेंगे पहले रेड, डालेंगे ग्रीन, अब डलेगा व्हाइट। ये हो गया हमारा ट्राई कलर इडली का बैटर प्रिपेयर, हो गया, अब स्टीम रेडी हो गया, काफ़ी अच्छा स्टीम निकल रहा है, अभी कलर्स भी प्रॉपर परफेक्ट आ गए हैं, ऑलमोस्ट सैफरन कलर आ चुका है। ये अब हम निकालेंगे ट्राई कलर इडली, ये आ रहा है आपका ट्राई कलर इडली मिस्टर लाल और मिस्टर ग्रीन, ये है आपका ट्राई कलर इडली। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा घी फॉर द फ्लेवरिंग, क्योंकि हमारे पास में मैक्सिमम इडली जितनी है प्रीमियम क्लास की सबके सब में घी डाली जाती है, क्योंकि बिना घी के इडली में मज़ा नहीं आता। ये हो गया आपका ट्राई कलर इडली।